सिग्निफिकेंट डिजिट्स राउंड ऑफ सॉलिड एंगल, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या? सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आर नॉर्मली दोज डिजिट्स इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी विच आर नोन रिलायबली और अबाउट विच वी हैव कॉन्फिडेंस इन आर मेजरमेंट प्लस वन डिजिट दैट इज अनसर्टन। अब ये ना बड़ी कॉम्प्लेक्सी डेफिनेशन है, इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब ये है कि किसी भी मेजरमेंट में वो डिजिट्स जिसके लिए आप 100% श्योर है वो सिग्निफिकेंट है, जिसमें आप श्योर नहीं है, अनसर्टन है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है, सिंपल है। डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा तो आप सीधा सिग्निफिकेंट के एग्जांपल्स पे आएं। इसमें ये बताया गया लार्जर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट हायर इज द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। मतलब अगर मान लो मैंने एक बेंच की लेंथ मेजर की 2 मीटर, तो मैंने कहा जी इसकी लेंथ है 2 मीटर। एक और स्टूडेंट आया, उसने कहा मैं मेजर करता हूँ 2.01 मीटर। अब 2.01 मीटर ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा है और बहुत एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट हो रही है। तो जितने डिजिट्स होंगे मेजरमेंट के अंदर सिग्निफिकेंट, जिसके लिए आप श्योर हो, उतनी उसकी एक्यूरेसी मानी जाएगी। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? अब इसके अंदर क्या बताया जा रहा है कि सपोज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 1.62 सेकेंड। वो कह रहे हैं 1 और 2 आर रिलायबल, डिजिट 2 अनसर्टन है। ये अनसर्टन क्यों बोल रहे हैं? देखो 2 डिजिट हो सकता है कि टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम हमने डिवीजन के साथ कैलकुलेट किया हो, t = 2π√L/g, और मेरा आंसर कुछ बहुत डिजिट्स के साथ आ रहा हो सकता है मैंने राउंड ऑफ कर दिया हो। तो 2 के बाद जो नंबर्स हैं वो अनसर्टन है, पता नहीं क्या है। हाँ, पर मुझे इतना पता है मेरे लास्ट नंबर क्या है, 2, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या है। तो मैं जो श्योरिटी ले रहा हूँ वो 3 डिजिट्स की पक्की ले रहा हूँ, मेरे आंसर में 1 भी आएगा, 6 भी आएगा और 2 भी आएगा। तो मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, उसके बाद अनसर्टन है, मुझे पता नहीं क्या हुआ, राइट? अब लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड एज 273.6 सेंटीमीटर। मैं 100% श्योर हूँ कि 2 पक्का कैलकुलेशन में आएगा, 7 भी आएगा, 3 भी आएगा और 6 भी आएगा। तो इसमें 100% 4 डिजिट तो पक्के हैं, और जो लास्ट डिजिट है जिसके अंदर 273 तो 100% श्योर है ही है, तो इसलिए उसने क्या बोला, 273 तो रिलायबल है ही है पर 6 थोड़ा अनसर्टन है क्योंकि उसके बाद क्या होगा मुझे मालूम नहीं क्या है। बट हाँ, मेरी श्योरिटी 100% है कि इसमें 4 डिजिट तो मेरे आंसर में है ही हैं, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अब इसमें कुछ रूल्स हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकालने के कुछ रूल्स हैं और 7 रूल्स हैं। उन 7 रूल के हिसाब से आपका जो क्वेश्चन आएगा इन 7 रूल से सॉल्व हो जाएगा। पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर आपकी कैलकुलेशन में देखो सारा चक्कर पड़ता है जीरो का, बिना जीरो के तो पक्का कैलकुलेशन है ही है, प्रॉब्लम ही नहीं है। 4 डिजिट हैं 13, 7, 5, 1, 3, 7, 7 और 5, तो 4 सिग्निफिकेंट है, बात ही खत्म। जीरो नहीं आ रहा, नॉन जीरो नंबर है, सब सिग्निफिकेंट है, बात खत्म। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट है, क्लियर? पहला रूल क्लियर है। दूसरा, ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर आपका कोई नंबर नॉन सिग्निफिकेंट नॉन जीरो से स्टार्ट हुआ, एंड भी नॉन जीरो से हुआ, अब बीच में जीरो आए या ना आए, सब सिग्निफिकेंट है। मतलब नॉन जीरो और नॉन जीरो स्टार्टिंग और एंडिंग कर रहे हैं, ये सब नंबर्स के लिए आप श्योर हैं, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हुए, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 सिग्निफिकेंट है। दूसरा रूल भी क्लियर है, ठीक। दो नेक्स्ट है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ एन अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब एग्जाम्पल से ये नॉन जीरो नंबर है, इसके राइट के बाद क्या आ गई, जीरोज आ गई, आपने इन जीरोज को काउंट नहीं करना। आपको ऐसा क्यों, 8, 6, 4, 0, 0 तो सही है ना, 0, 0 तो काउंट तो होना चाहिए,
क्योंकि इसका मतलब बहुत श्योर है कि 86,400 है, बात खत्म। तो जीरो के लिए अनसर्टन क्यों है, जीरो क्यों नहीं लिए जा रहे हैं, बताता हूं क्यों। 86,400 में सिर्फ तीन ही सिग्निफिकेंट मार्क करने हैं, क्योंकि ये रूल है जब आप किसी भी नंबर को 10 की पावर समथिंग से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे इसको कर सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो, 864 इंटू 10 की पावर 2 या 10 की पावर 3 या 10 की पावर -10, कुछ भी, वो 10 की पावर समथिंग आपके हाथ में आप कैसे लिखते हैं। हो सकता है कल को आप लिखें 10 की पावर 2, हो सकता है आप 10 की पावर 3 में भी लिख पाएं, इसे डेसिमल लगा लगा के आप इसको सॉल्व कर लें। तो 10 की पावर समथिंग का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उसको आपने नहीं देखना। तो इन जीरोस को आपने नहीं देखना, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, तीन। लेकिन अगर यही नंबर डायरेक्ट मेजरमेंट से आया, अगर पीछे यूनिट्स लगे हों, अगर कोई यूनिट नहीं लगा हुआ, बस 86400 बात खत्म, तो तीन है, तीन मार्क कर देना। पर अगर वो ये बोलता है 86400 मीटर, यानी कि आपने कोई मेजरमेंट की है डायरेक्ट, फिर आपने इसमें 5 बोलना है, फिर जीरो का सिग्निफिकेंस है। अगर कुछ नहीं बोल रहा, कोई यूनिट नहीं लगा रहा, तो तीन। अगर पीछे लगा रहा है कि इतने केजी, इतने मीटर, इतने जूल, इतना न्यूटन, कुछ भी यूनिट लगे हुए हैं, यानी कि किसी मेजरमेंट से आ रही है कैलकुलेशन, फिर 5, फिर जीरो को काउंट करना है। तो आपको पता कैसे लगेगा 3 लिखना है कि 5 लिखना है। अगर तो वो बिना यूनिट्स के बोलता है 86400, फिर तो लिखना है 3। अगर वो पीछे यूनिट लिखता है, जूल, केजी, मीटर, कुछ भी, या लिखता है कि ये नंबर डायरेक्ट मेजरमेंट से आ रहा है, फिर आपने 5 लिखना है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो पढ़ना पड़ेगा कि एक्चुअल में डायरेक्ट मेजरमेंट से है या इसके यूनिट्स हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो 3, अगर हैं तो 5। नेक्स्ट रूल है, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर आपके किसी भी डेसिमल नंबर के पीछे लेफ्ट की तरफ जीरोस हैं, ये नॉन जीरो नंबर है और फिर जीरो स्टार्ट हो गया और फिर डेसिमल हो गया, अगर डेसिमल आ गया और डेसिमल के लेफ्ट साइड पे जीरोस हैं और ये नॉन जीरो लगा हुआ है, नॉन जीरो डेसिमल के बीच में जितने मर्जी जीरोस लगा दो, सब सिग्निफिकेंट हैं, सब काउंट होंगे। डेसिमल तक जितने भी जीरोस आएंगे वो सब काउंट होंगे ही होंगे। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन अगर डेसिमल ना होता फिर आंसर क्या होता? सिर्फ 4। डेसिमल है तो आपने जीरोस को भी काउंट करना है। बोलो सर, वो रूल अलग है, बिना डेसिमल के रूल है, ये भी डेसिमल रूल है, आगे और भी चेंज होंगे, मैं और एग्जांपल से समझाऊंगा, अभी रुको, वो रूल बिना डेसिमल के लिए था। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक। नेक्स्ट है, जैसे 161 में कितने सिग्निफिकेंट हैं? 3। 161.0 में अगर डेसिमल के बाद भी जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट है, तो कितने हो गए? 4। डेसिमल के बाद जीरोज हैं तो कितने सिग्निफिकेंट हैं? 5। अगर डेसिमल ना होता, हाँ, फिर इसमें 3 ही होते, पर अगर सेंटीमीटर लिखा हुआ है फिर उसमें भी 5 हो जाते, क्योंकि सेंटीमीटर लिखा है, तो फिर तो आपने, अगर सेंटीमीटर या मीटर लिखा है फिर तो आपने सारे के सारे लेने हैं, अदरवाइज बस आपने इसमें डेसिमल के बाद जीरो है, अब सेंटीमीटर हो या ना हो आपने 5 ही बोलना है। नेक्स्ट है, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। मतलब एग्जाम्पल से, ये नॉन जीरो नंबर है लेकिन डेसिमल के लेफ्ट पे जीरो है, इस नॉन जीरो नंबर के इधर जीरो है और इधर भी जीरो है, सब नॉन सिग्निफिकेंट है, नहीं काउंट करना, नहीं काउंट करना। अगर नंबर जीरो यहां, तो आप जितने मर्जी जीरो लगा दें कोई फर्क ही नहीं है, नहीं काउंट करना। यहां पे जितने मर्जी जीरो लगा दें कोई फर्क नहीं है, नहीं काउंट करना। अगर लेफ्ट में जीरो चल रहे हैं, 0.000, नहीं काउंट करना, इसमें सिर्फ 3 है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, डेसिमल के राइट पे काउंट करना है, लेफ्ट वाले जीरोस को काउंट नहीं करना। ये भी क्लियर हो गया यहां तक? लास्ट रूल है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सेंटीमीटर में हैं या मीटर में हैं या किलोमीटर में हैं, जैसे 16.4 सेंटीमीटर है या फिर 0.64 मीटर है या फिर 0.00164 किलोमीटर है, एक ही यूनिट को 3 में कन्वर्ट कर लिया, कोई फर्क ना पड़ता, इसके अंदर भी 3 है, कन्वर्ट करोगे डेसिमल यहां लेके आओगे तो भी 3 ही है, क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट वाला जीरो काउंट ही नहीं होता। ऐसे डेसिमल के लेफ्ट और राइट के जीरोस काउंट नहीं होते, तो अभी भी इसमें आंसर 3 ही रहेगा, तो आंसर 333 एंड 3 ही रहेगा। ये भी क्लियर है यहां तक?
एक बार फिर से रूल्स, बिना रूल को पढ़े सिर्फ एग्जाम्पल के साथ। पहला रूल, जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं ये सब सिग्निफिकेंट हैं। दूसरा रूल, नॉन जीरो के बीच में चाहे जीरो आए या ना आए सब सिग्निफिकेंट हैं। तीसरा रूल, इसके अंदर अगर कोई डेसिमल नहीं है और जीरो जीरो पीछे लगे हुए हैं तो आंसर 3, पर अगर कोई यूनिट लगा हुआ है तो आंसर 5। नेक्स्ट रूल है, अगर मान लो एंड में डेसिमल आ गया, 0 0 0 करते 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 एंड में डेसिमल आ गया, तो आपने इसको क्या करना है, सिग्निफिकेंट लेना है, ये सिग्निफिकेंट है। इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट हैं, डेसिमल के बाद वाला जीरो काउंट करना है, डेसिमल के बाद वाला जीरो काउंट करना है। नेक्स्ट है, डेसिमल के लेफ्ट वाला जीरो काउंट नहीं करना, डेसिमल के लेफ्ट वाले और राइट वाले जीरोस काउंट नहीं करने। नेक्स्ट है, अगर ये 3 है, डेसिमल के लेफ्ट वाला जीरो काउंट नहीं करना, ये सब जीरोस काउंट नहीं करने, तो आंसर 3 3 और 3 ही है। ये रूल्स हैं, क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा एक नंबर का, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग, तो बोलो कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, 4। नेक्स्ट है, इसके अंदर 0, ये इसको 0 हटाओ प्लीज, या एक काम करो, ये 0 नहीं है, डेसिमल की जगह 0 है, ये इसको ना 0 करो, ये 0 है। अब करो क्वेश्चन सॉल्व। तो अब क्या है, मैंने क्या बताया था, पीछे को यूनिट भी नहीं है, पीछे 0 0 0 काउंट ही नहीं करना, छोड़ दो, कितने हुए, 2 सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट है, नॉन जीरो के बीच में 0 काउंट करने हैं, तो कितने हुए, 1 2 3 4 और 5। नेक्स्ट है, लेफ्ट की तरफ 0, डेसिमल के राइट और लेफ्ट पे 0 काउंट नहीं करने हैं, तो कितने हुए, सिर्फ 3। नेक्स्ट है, लेफ्ट के जीरोस काउंट नहीं करने, लेकिन डेसिमल के बाद वाले ये वाले जीरोस काउंट करने हैं, तो ये करने हैं 3, ये नहीं करने, तो कितने हुए, 3। 10 की पावर 3 को तो बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना, 10 की पावर समथिंग तो लेना ही नहीं है, तो आंसर क्या हुआ, 3। नेक्स्ट है, डेसिमल के लेफ्ट और राइट पे जीरोस को काउंट नहीं करना, तो आंसर इज 1। 10 की पावर 4 काउंट नहीं करना, आंसर इज 3। डेसिमल के लेफ्ट वाला काउंट नहीं करना, राइट वाला काउंट करना है, तो आंसर इज 4। नेक्स्ट है, पीछे अगर ये जूल ना होता तो आंसर होता 3, क्योंकि 0 एंड में काउंट नहीं करना, पर पीछे जूल लगा हुआ है इसका मतलब इसे काउंट करना है, तो आंसर क्या आएगा, 4। जैसे पीछे यूनिट लगे हुए हैं और वैसे भी नॉन जीरो के बीच में कोई 0 आ रहा है, तो नंबर ऑफ कितने हुए, 4। ये जीरोस को काउंट नहीं करना, इन चारों को काउंट करना है, आंसर इज 4। 2000 अगर अकेला होता तो आंसर इज 1, लेकिन पीछे 0 0 लगे हुए हैं तो आंसर इज 4। मीटर लगा हुआ है ना, तो मीटर की वजह से डायरेक्ट मेजरमेंट है, तो आंसर इज 4। केजी लगा हुआ है, सबको काउंट करना है, 4। डेसिमल के लेफ्ट वाले काउंट नहीं करने, 5 के बाद 0 काउंट करना है, आंसर इज 2। दैट्स इट, ठीक है।